हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो आज हम प्रश्नावली 5.7 का प्रश्न संख्या 15 हल करेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। हमें दिया हुआ है कि यदि y बराबर 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x है, तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 49y होगा। तो देखिए, जो हमें सिद्ध करना है उसमें हमारे पास बाएं पक्ष में लिखा हुआ है d2y बटे dx स्क्वायर, अर्थात मुझे इसका मान निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो dy बटे dx निकालते हैं। तो देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दाएं पक्ष का भी, तो चलिए करते हैं। 500 तो ऐसे ही रहेगा, e की घात 7x का अवकलन e की घात 7x, और चूंकि यहां x के बजाय 7x लिखा हुआ है इसलिए मुझे 7x का अलग से अवकलन करना पड़ेगा, प्लस 600 हम ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर माइनस 7x, चूंकि यहां माइनस 7x है इसलिए इसका अलग से अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने कर भी दिया। अब हम इसका अवकलन करते हैं, तो देखिए अपने पास क्या आ जाएगा, 500 गुणा 7 e की घात 7x। ये देखिए 7 कहां से आया है, इसके अवकलन से आया है, माइनस 600, इससे आएगा माइनस 7, तो देखिए माइनस मैंने पहले ही लिख दिया, गुणा 7 e की घात माइनस 7x आ गया। तो अपने पास आ जाएगा ये dy बटे dx बराबर 705 e की घात 7x माइनस 6 e की घात माइनस 7x। अब देखिए, मुझे d2y बटे dx स्क्वायर निकालना है, अर्थात मुझे dy बटे dx का दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर निकालते हैं, अर्थात dy dx ऑफ dy बटे dx। तो देखिए 700 तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि एक अचर राशि है। अब देखिए 5 को हम ऐसे लिखेंगे और e की घात 7x का अवकलन, अब चूंकि यहां 7x है इसलिए मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने लिख भी दिया, माइनस 6 e की घात माइनस 7x का अवकलन e की घात माइनस 7x। अब चूंकि यहां माइनस 7x है इसलिए इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो हमने वो लिख भी दिया। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 700, देखिए यहां से इसको अवकलन करने पर आएगा 7, तो यहां से 5 यहां पर है तो 35 e की घात 7x, यहां से देखिए माइनस का 6 और यहां से माइनस का 7 आएगा तो प्लस 42 e की घात माइनस 7x। तो आप देखिए यहां से अगर मैं जो ये 700 लिखा है इसमें 100 भी आ रहा होगा, तो 100 को मैं अंदर ले जाता हूं तो ये 7 आ गया, और देखिए इनमें से और इसमें से 7 कॉमन आ रहा है तो 7 को मैंने कॉमन ले लिया, तो मेरे पास आ जाएगा 500 e की घात 7x प्लस 600 e की घात माइनस 7x। अब आप गौर से देखिए, ये अपने पास d2y बटे dx स्क्वायर था, तो जब आप देखेंगे तो ये देखिए 49 लिखा हुआ है, और आप इसको देखिए तो ये अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ था ये वैल्यू अपने पास y के बराबर है, तो यहां मैं y लिख दूंगा, और यही मेरे को प्रूफ करना था, तो मैं लिख सकता हूं हेंस वेरीफाइड। चलिए अब प्रश्न संख्या 16 पर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में हमें दिया हुआ है कि यदि e की घात y इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 1 है, तो दर्शाइए कि डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर बराबर डी वाई बटे डी एक्स का होल स्क्वायर होगा। तो देखिए ये हमको सिद्ध करना है, तो देखिए बाएं पक्ष में हमारे पास डी टू वाई बटे डी एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो हमें सबसे पहले डी वाई बटे डी एक्स ही निकालना होगा। तो देखिए अगर मैं मेरे पास दिया हुआ था e की घात y x प्लस 1 बराबर 1, मैं दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करता हूं, तो देखिए एक फलन मैं इसको मान लेता हूं e की घात y को, और एक फलन x प्लस 1 को मान लेता हूं। तो अवकलन करने के लिए हम इसमें फॉर्मूला लगाएंगे जब दो फलन हमारे पास गुणनफल में है। तो देखिए सबसे पहले e की घात y ऐसे ही लिखा, और x प्लस 1 का हम अवकलन करेंगे, प्लस इस बार हम x प्लस 1 को ऐसे ही रखेंगे और e की घात y का अवकलन करेंगे, तो मैंने dy dx ऑफ e की पावर y लिख दिया, और अब मुझे 1 का अवकलन करना पड़ेगा, और वो मैं जानता हूं अच्छी तरीके से क्योंकि ये 0 होगा, क्योंकि 1 एक अचर राशि है और अचर राशि का अवकलन करेंगे तो 0 ही आएगा। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो अपने पास आ जाएगा e की घात y x प्लस 1 का अवकलन 1 प्लस 0 आएगा, प्लस x प्लस 1, देखिए e की घात y का अवकलन आएगा e की घात y,
अब चूंकि यहां y लिखा हुआ है इसलिए मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो dy बटे dx बराबर 0 आ गया। अब आप देखिए e की घात y को मैं यहां से हटा सकता हूं, मतलब कॉमन लिया मैंने, तो अपने पास आ जाएगा 1 प्लस x प्लस 1 dy बटे dx बराबर 0, या मैं बोल सकता हूं 1 प्लस x प्लस 1 dy बटे dx बराबर 0, और थोड़ा और सिंप्लीफाई करने पर dy बटे dx x प्लस 1 बराबर -1, या मैं बोल सकता हूं कि dy बटे dx बराबर -1 बटे x प्लस 1 हो जाएगा। चलिए मैंने dy बटे dx आसानी से निकाल लिया है, तो अब मैं d2y बटे dx स्क्वायर निकालूंगा, अर्थात d अपॉन dx ऑफ dy बटे dx। तो मेरे पास क्या करना होगा, मुझे कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का दोनों तरफ अवकलन करना होगा x के सापेक्ष। तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास -1। अब आप देखिए इसका अवकलन करूंगा तो अपने पास आ जाएगा -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया स्टैंडर्ड, और अब मुझे चूंकि यहां x प्लस 1 है मतलब मुझे इसका दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, तो dy dx ऑफ x प्लस 1 मैं लिख दूंगा। थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर 1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर। और देखिए अगर मैं अवकलन करूंगा तो x का अवकलन 1 और 1 का अवकलन 0 आ जाएगा, अर्थात 1 प्लस 0 लिख दिया। तो आप देखिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, मैं इसे -1 बटे x प्लस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। और फिर आप थोड़ा गौर करेंगे तो देखिए d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब आप ये देखिएगा ये किसकी वैल्यू है, अपने पास हमने यहां से निकाला था, ये है अपने पास dy बटे dx की वैल्यू, अर्थात मैं लिख सकता हूं dy बटे dx का होल स्क्वायर। और आप देखिए क्वेश्चन में मुझे ये ही पार्ट प्रूफ करना था, अर्थात मैं यहां लिख सकता हूं हेंस प्रूव्ड।